हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आईजी पेट्स चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा डी वार्मिंग के बारे में, क्योंकि पर्शियन कैट में जो है डी वार्मिंग करना ज़रूरी है। हर कैट में, हर डॉग में जो है डी वार्मिंग करना ज़रूरी है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डी वार्मिंग होता क्या है और जो है हमको किस तरीके से जो है अपने कैट का या फिर डॉग का जो है डी वार्मिंग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आईजी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, डी वार्मिंग क्या है? डी वार्मिंग यानी कि पर्शियन कैट या फिर डॉग या फिर कोई भी डॉग हो या फिर कोई भी कैट हो, उनके पेट में जो है कीड़े जो है हो जाते हैं, उनको मारने के लिए आपको दवाई देनी पड़ती है। वो दवाई का नाम है डी वार्मिंग। डी वार्मिंग उनके पेट में जो है कीड़े हो जाते हैं, वो कीड़े को मारने के लिए आपको जो है डी वार्मिंग करना पड़ेगा। डी वार्मिंग यानी कि डी वार्मिंग में जो है बहुत सारे कीड़े जो है हो जाते हैं उनके पेट में, उनको मारने के लिए आपको जो है डी वार्मिंग की दवाई देनी पड़ेगी और जो है उनको उनके पेट से जो है कीड़े को जो है साफ़ करना पड़ेगा, इसलिए जो है डी वार्मिंग की दवाई जो है दी जाती है। तो दोस्तों, डी वार्मिंग करना स्टार्ट कब से करें अपने किटन को? तो अगर आपके पास किटन है और जो है उसका 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स का जो है किटन हो चुका है, तो उसको जो है क्या करिए, आप जो है हर 2-2 हफ्ते में जो है डी वार्मिंग करना स्टार्ट करिए 3 महीने तक। और जो है 3 महीने के बाद में जो है आपको हर महीना जो है उसका डी वार्मिंग करना पड़ेगा 6 या 7 महीने तक। यानी कि 6 या 7 महीने का आपका किटन हो जाए तब तक जो है उसका डी वार्मिंग करिए हर महीना। उसके बाद में जो है आपको हर 2-2 महीने में जो है आप उसका डी वार्मिंग करना है। कब तक? आपकी कैट जो है अडल्ट नहीं हो जाती तब तक, यानी कि 11 या 12 महीने तक आपको जो है उसको हर 2-2 महीना जो है डी वार्मिंग करिए। अडल्ट होने के बाद में जो है आपकी कैट 11 या 12 महीने के बाद जो है, यानी कि 1 साल जो है कैट का हो जाएगा, उसके बाद में जो है अडल्ट हो जाएगी, उसके बाद में जो है आपको 3 महीने में एक बार जो है उसका डी वार्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डी वार्मिंग का डोज जो है कितना देना पड़ेगा अपने कैट को? यानी कि अगर आपके पास डी वार्मिंग की दवाई है और जो है आप कितने अमाउंट में जो है डी वार्मिंग की दवाई अपने पर्शियन कैट को, डॉग को जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में जो है लिखा गया है कि अगर आपके कैट जो है 1 kg की है, यानी कि 1 किलो की अगर आपकी कैट है, तो उसको जो है इसका 1 ml जो है देना पड़ेगा, डी वार्मिंग जो है हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कोई भी दूसरी प्रोडक्ट जो है ले लेंगे, अगर कोई भी दूसरा दवाई जो है ले लेंगे, तो उसमें जो है इस तरीके से लिखा गया होगा, आप जो है वो देखिए और जो है उसको उतने अमाउंट में जो है आप जो है अप्लाई करिए। या फिर ऐसा ये नहीं देखना, अगर आपके पास ऐसा नहीं लिखा होगा तो आप जो है डायरेक्ट जो है आप डॉक्टर पास जाइए, डॉक्टर से जो है बात करिए, डॉक्टर जो है आपको बताएगा कि कितने अमाउंट में जो है अप्लाई करना पड़ेगा, आप जो है वो पूछ कर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी पेट्स चैनल।